जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार कुमार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रायगढ़ जिले के कुछ विशेष चीजों के बारे में। सिंघनपुर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सिंघनपुर के बारे में बात करना शुरू करें उससे पहले हल्का सा रायगढ़ जिले का इंट्रोडक्शन यदि हम ले तो हमको क्या देखने मिलता है। रायगढ़ जिला जो है पूर्व के तरफ एक राज्य से सीमा बनाता है। आप देख सकते हैं उड़ीसा के साथ वो सीमा बनाता है। उत्तरी सीमा बात की जाए तो दो जिलों के साथ बनाता है, एक जशपुर है हमारा और दूसरा है सरगुजा। पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो कोरबा के साथ बनाता है, जांजगीर चांपा के साथ बनाता है, हल्का से बलौदा बाजार भाटापारा को छूता है और दक्षिण की तरफ ये सीमा बनाता है हमारी महासमुंद से। जो हम देख सकते हैं ये मैप वही है जो हमने क्लास में बच्चों को पढ़ाया था। तो इसमें आप तहसील वगैरह देख सकते हैं, घरघोड़ा है, धर्मजयगढ़ है, लेलुंगा है, तमनार है, खरसिया है, रायगढ़ है, ये हमारी जो है तहसील मिलती है बरम किला सारंगगढ़। नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो आपको नेशनल हाईवे देखते मिलेगा एक जाते हुए और एक रेल मार्ग है जो रायगढ़ जो जाता है हमारा। तो ये रायगढ़ रेल मार्ग कौन सा जाता है, ये हावड़ा मुंबई वाला जो रेल मार्ग है वही रायगढ़ होके जाता है। तो बात हमको आज करनी है रायगढ़ जिले के अंदर महत्वपूर्ण चीज के बारे में या महत्वपूर्ण स्थान सिंघनपुर। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। रायगढ़ जिले को शैलाश्रयों का गढ़ भी कहा जाता है। रायगढ़ जिले का दूसरा नाम क्या है, शैलाश्रयों का गढ़, इसको संज्ञा दी जाती है। हमको बात करना है आज उन्हीं में से एक सिंघनपुर के बारे में। तो सिंघनपुर के बारे में पहले यदि हम हल्की सी कंडीशन को देखें या हल्की सी चीजों को समझें तो सबसे पहले क्या मिलता है, यह एक पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, पाषाणकालीन शैल चित्र मिलेंगे। अभी पाषाण काल क्या होता है या शैल चित्र क्या होता है इसको समझते हैं। तो पाषाण काल जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में जो मानव रहता है बुद्धिमान मानव बनने के पहले जो अलग अलग जो टाइम पीरियड है उसमें सबसे पहला आता है पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब जब मानव औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग करता था। तो पाषाण काल को भी अलग अलग हिसाब से बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ये छत्तीसगढ़ में हम जब पढ़ते हैं तो ये चार अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो पाषाण के समय जब मानव हथियार जो बना रहा है अपने पत्थरों से बना रहा है, पत्थरों के ही रूप को, पत्थरों को ही औजार के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो उस समय के शैल चित्र मतलब मानव क्या करते थे अपने कम्युनिकेशन के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, उस समय तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, पुस्तकें थी नहीं, तो वो क्या करते थे एक दूसरे को जानकारी देने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कैसे काम करना है, तो पत्थरों पर ड्राइंग करते थे ताकि और भी वो चीजों को सिखा सके। जो ऐसी एक अवधारणा बनती है कि मानव अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने के लिए वो पत्थरों का प्रयोग करता था। उस समय कोई लिपि का विकास नहीं हुआ था, लिपि नहीं बनी थी, तो वो लोग क्या करते थे ड्रॉइंग बनाते थे, आड़े टेढ़े चित्र बनाते थे और उसी को हम क्या बोलते थे शैल चित्र। आज की डेट में हमको क्या बोला जाता है उसको, शैल चित्र। अभी पाषाण काल के बाद जो है हमारा अलग युग आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में ताम्र पाषाण काल आएगा, फिर कांस्य युग आएगा, उसके बाद हमारा शुरू होता है ऐतिहासिक काल जहां से हमको लिखित साक्ष्य मिलना शुरू होते हैं, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो इसकी बात की जाए तो ये काफी पुराने हैं, 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने ये चित्र माने जाते हैं। अब ये जो चित्र हैं 10,000 साल पहले आदि मानव के द्वारा बनाए गए हैं, तो इन चित्रों में थोड़ी बहुत जो है कमी देखने मिलेंगी, जो रंग है इसके हल्के हल्के डल हो गए हैं और साथ ही ये गुफाओं में है तो गुफाओं में जो चमगादड़ रहते हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं और जो पानी रिसता है गुफाओं से, तो उसके कारण ये चित्र थोड़े धूमिल पड़ गए हैं। तो हम वो चित्रों को भी देखेंगे, बात करेंगे इसकी यदि हम आगे तो इसकी खोज का श्रेय जाता है C.W. एंडरसन को, जिन्होंने 1910 में इस स्थान की खोज की। कौन सी वाली बात कर रहे हैं, जस्ट मेरे पीछे वाले से जो स्थान है सिंघनपुर गुफाओं की खोज के है हमारे एंडरसन ने की थी। ये कौन थे, तो बंगाल रायपुर रेलवे अधिकारी थे। जो रेलवे लाइन आपको दिख रही होगी रेड कलर से, उस रेलवे लाइन का ही काम शुरू था 1910 में एक रेलवे लाइन बनानी थी जो हमारा बंगाल को रायपुर से जोड़ती है, हमारा हावड़ा मुंबई वाला रेलवे लाइन वही है। तो उसके अधिकारी थे, सर्वे के लिए आए हुए थे वहां पे, रेलवे का ये सर्वे कर रहे थे कि कहाँ कहाँ से स्थान से जा सकते हैं। तो उनको अचानक में ये गुफा दिखती है, गुफा के अंतर्गत जो है चित्र दिखते हैं। तो उसके बाद इस चीज की खोज होती है और वो आगे अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो काम है शुरू होता है। ध्यान रखिएगा हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, रायगढ़ जिला या सिंघनपुर गुफा, तो ये साक्ष्य देता है कि बहुत पहले मानव यहाँ पर रहते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे सिंधु घाटी का इतिहास बोलेंगे हम या ऋग्वैदिक काल का इतिहास बोलेंगे, उस समय माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ था ही नहीं। जैसे सिंधु घाटी में तो साफ साफ लिखा रहता है कि सिंधु घाटी इस तरफ आई ही नहीं थी, विंध्यन पर्वत के आगे बढ़ती ही नहीं है, तो सीमा नहीं तो मनुष्य नहीं थे, बट ये सिंधु घाटी के पहले के मानव है। तो ऐसा कह सकते हैं हम मानव सभ्यता का विकास रायगढ़ जिले के आसपास हुआ है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं गुफा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर पत्थर से हस्तचलित कुदाल मिली है, आखेट करता हुआ मनुष्य संबंधित साक्ष्य मिला है। तो दो चीज मिलती है,
एक कुदाल मिली हुई है, हस्तचलित पत्थर की बनी हुई कुदाल है। देखिए पाषाणकालीन स्थल है तो पत्थर का ही निर्मित मिलेगा, और आखेट करता हुआ मानव का जो है चित्र मिला है। तो आखेट करता हुआ मानव का यदि चित्र देखें तो आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे आपको दिखेगा, यही चित्र है जो वहां पे हमको सिंघनपुर की गुफा में मिला है। चार पांच लोग ऐसे ही, जैसे मैंने कपड़ा पहना है वैसे ही रंग के आपको कलर दिख रहा होगा, ऐसे कलर के ये जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, घेरा बना रहे हैं। ऊपर आपको हल्का सा एक जीव का चित्र दिख रहा होगा, अगर मैं माउस के पॉइंटर को ले जा सकूं। ये एक जीव का चित्र है और एक पीछे से व्यक्ति है जो हथियार से शिकार करते हुए है। अब चूंकि ये चित्र धूमिल हो गए हैं, याद रखिएगा चित्र उतने अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, धूमिल हो गए हैं चित्र, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सिखा रहे हैं कि क्या जब भी आपको किसी जीव का शिकार करना है तो आपको ऐसे पहले एक घेरा बनाना है। जैसे जानवर आज भी करते देखोगे आप, शेरों को शिकार करते हुए देखोगे, ऐसे ही जब शेर किसी जीव का शिकार करते हैं दो तीन तरफ से उसको घेरते हैं और एक पकड़ता है, तो वही है, उसके बाद सारे झूठते हैं उसके ऊपर। तो वैसे ही जब हम शिकार कर रहे थे, जब आदि मानव शिकार करते थे, तो क्या ये सीख दे रहा है कि आपको एक घेरा बनाना है, जानवर को एक घेरे में लेना है और एक जो है उसका शिकार करेगा। तो ये साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ और साक्ष्यों की बात की जाए तो यहाँ पे क्या मिलती है, एक गुफा है जो दक्षिणामुखी गुफा है जिसका मुंह दक्षिण की तरफ खुलता है। ओके, ये सबसे गहरी गुफा है वहां पे। यहाँ पर हमको चित्र मिलता है सीढ़ीदार मानव आकृति का, नाचते हुए मानवों का, मछली का, सांप का और जटिल रेखाकृतियां हैं। अब जिन लोग खोज करते हैं वही बता पाते हैं क्या है, जैसे हम देख के अंदाजा लगा पा रहे हैं, हमको उनकी रिसर्च पढ़नी पड़ती है। तो जैसे यदि हम इनके चित्र देखें तो एक चित्र हमको ये मिलेगा दक्षिणामुखी गुफा का और एक चित्र हमको ये वाला मिलेगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं कुछ मानव है, ऐसे लग रहा है वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, अपना गा रहे हैं। इसके साथ साथ वहीं पे आपको मछली, सांप, सारे चित्र इसी के अंदर हैं। तो ये वाली जो हमारा शैल चित्र है ये ज्यादा क्लियर दिखता है, इसके पहले वाला शैल चित्र जो है उतना क्लियर नहीं दिखता है। तो सिंघनपुर में इतनी ही चीजें थी हमको जो जानकारी लेना था। सिंघनपुर पे यदि आपको मेंस पे लिखने आएगा तो मेंस पे आप कैसे लिखेंगे, तो ये सारे जो मिले हुए हैं वो, इसकी उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में जानिएगा। प्रीलिमिनरी की बात करेंगे या व्यापम की बात करेंगे तो क्वेश्चन आ सकता है सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या क्या चित्र में मिला हुआ है। तो फोटो में हम लोग जैसे दिखा रहे हैं, फोटो का हमारा दिखाने का उद्देश्य क्या रहता है कि आप उससे एक इमेज बना सके अपने दिमाग में कि आपको याद आ जाए। तो जैसे शिकार करते हुए मानव का चित्र आपको याद आ जाए, वो हथियार पकड़ा था कुदाल याद आ जाए, नाचते हुए मनुष्य याद आ जाए। नाचते हुए मनुष्य को कैसे याद रखोगे कि हाथ में मछली पकड़े हैं, सांप पकड़े हैं, ये सारी चीजें आपको याद आ जाए। तो इतने में हमारा ये सिंघनपुर खत्म होता है, इसको अभी ओवर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।